नैहर छूट जाए बाबूला मरा मोरे डोलिया सजावे रे चार कहरा मेले मोरे डोलिया सजावे चार कहर मेला मोरे डोलिया सजावे रे जब घुंघरू सी बजती है बूंदे अरमां हमारे पल के नमूदे जब जो मुस्कुरा रही हो बन जाएंगे जहर पीते पीते जाएंगे जहर धड़कते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए Thank you.
Thank you.
तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी सी नजर। देखकर लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि इस बार
जिसे भी यह संक्रमण कोरोना के 81,466 नए केस सामने आए हैं और पिछले साल सितंबर में पहली बार आपको ये याद रखना है, सीएम केजरीवाल ने कहा घर से बाहर आपका सिर्फ एक कदम मंत्री उद्धव ठाकरे न चाहते हुए कोरोना जैसी गंभीर महामारी को डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से कभी बचाया जा सकता है। शुरुआत जब बिल्कुल स्वस्थ की लक्ष्मण रेखा जो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता। इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय अलग अलग हिस्सों से हमारे संकल्प हमें देखकर लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि इस बार जिसे भी ये संकट हुआ है दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। देश में कोरोना वैश्विक महामारी 147 हो गई है। उस पर पूरी दुनिया की स्थिति महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र के समाचारों के माध्यम से कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज ने दम भी रहे हैं और देख भी रहे। तीन हो चुकी है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव। आप ये भी देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दुनिया के अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि देशों को भी वायरस से हुई या किसी और बीमारी से और भी दिक्कतें थी। इस महामारी ने बिल्कुल बेबस घरों में रही है। ऐसा नहीं है जो लोग देश प्रयास नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और पहली बार बहुत इनोवेटिव तरीके से डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से कभी बचाया जा सकता है। शुरुआत जब बिल्कुल स्वस्थ की लक्ष्मण रेखा जो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता। इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय अलग अलग हिस्सों से हमारे संकल्प हमें देखकर लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि इस बार जिसे भी यह संकट हुआ है दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। देश में कोरोना वैश्विक महामारी 147 हो गई है। उस पर पूरी दुनिया की स्थिति महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र के समाचारों के माध्यम से कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज ने दम भी रहे हैं और देख भी रहे। तीन हो चुकी है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव। आप ये भी देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दुनिया के अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि देशों को भी कोरोना वायरस से हुई या किसी और बीमारी से और भी दिक्कतें थी। इस महामारी ने बिल्कुल बेबस घरों में रही है। ऐसा नहीं है जो लोग देश प्रयास नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और पहली बार बहुत इनोवेटिव तरीके से यानी करीब 6 महीने इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर मुझे पसंद आया। आपको भी
quarantine squads. First of all, I mean, I think the World Health Organization just declared this a global health emergency. Thank you.